चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी समसामयिक घटना चक्र जो वार्षिकांक की दृष्टि निकालता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, आपका विधिक परिदृश्य भी देख चुके हैं, आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक परिदृश्य में, तो इसमें आपका बजट देख चुके हैं, आर्थिक समीक्षा भी देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान चुके हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रमुख नीति जो दस्तावेज 2019-20 में आए हैं उनके बारे में भी जान चुके हैं। अब हमें बात करनी है कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के बारे में। याद रखिए, इसके आपके जो भी टॉपिक हैं अलग अलग कवर किए जा रहे हैं अलग अलग क्लासों में। लास्ट में क्या करूंगा कि एक मर्ज कर दूंगा, सभी को एक बना दूंगा, ठीक है, पूरी बुक्स को। तो अभी आपकी समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी क्लासें डाल दी गई हैं, ठीक है। तो कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में 2018-19 में क्या क्या घटनाएं घटी हैं उन्हें देखते हैं हम लोग। खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 चतुर्थ अग्रिम अनुमान, ठीक है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा 19 अगस्त 2020 को वर्ष 2019-20 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुपात जारी किए गए हैं, किस नंबर के, चौथे। वर्ष 2019-20 के जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन अनुमानित है। कितना? 296.65 मिलियन टन अनुमानित है। ये अनुमान है, हकीकत क्या रहता है वो आपको देखना होगा। वर्ष 2019-20 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 118.43 मिलियन टन अनुमानित है। आप समझ सकते हैं कि चावल अच्छे, मतलब इतना अनुमान लगाया जा रहा है 118.43, यानी कि सबसे ज्यादा। और 2019-20 में अगर गेहूं उत्पादन की बात करें तो 107.59 मिलियन टन अनुमानित है। जो वर्ष 2018-19 के दौरान उत्पादन प्राप्त उत्पादन 103.60 मिलियन टन की तुलना में 3.99 मिलियन टन अधिक है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि चावल और गेहूं तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसका, समझ रहे हैं। 2019-20 में अगर हम लोग दलहनों की बात करें तो इसमें 23.15 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2019-20 की अवधि में गन्ने का कुल उत्पादन की बात करें तो 355.7 मिलियन टन अनुमानित है। जो वर्ष 2018-19 की तुलना में 49.72 मिलियन टन कम है, यानी कि 2018-19 में इससे ज्यादा हुआ था। वर्ष 2019-20 के दौरान कपास का उत्पादन 35.49 मिलियन गांठे प्रति 170 किलोग्राम अनुमानित है। वर्ष 2019-20 में पटसन एवं मेस्ता की बात करें तो इसका उत्पादन 9.91 मिलियन गांठे प्रति 180 किलोग्राम अनुमानित है, ठीक है। कृषि, सर आपने देखा है कृषि अवसंरचना निधि के बारे में, 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना निधि को मंजूरी प्रदान की गई। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी प्रदान की गई, कब? 8 जुलाई 2020 को, ठीक है। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल की बात बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम लंबी अवधि के ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना की समय सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 तक, यानी कि 10 वर्ष के लिए होगी। इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए की ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में ऋण के लिए पात्र संस्थाएं प्राथमिक ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक कृषि संगठन, स्व सहायता समूह, किसान संयुक्त देवता समूह और बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, संगठित अवसंरचना प्रदाता और केंद्रीय एजेंसियां या फिर स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल होगी। ऋण का वितरण 4 वर्षों में किया जाएगा, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 10,000 करोड़ रुपए और अगले 3 वित्तीय वर्षों में क्रमशः 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की जाएगी। इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।
और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ खाद्यान्न, यानी कि कहने का मतलब है कृषि क्षेत्र में अधिक लोग निर्भर हैं इस पर। और आप जानते हैं मैन हमारे, एक तरह से कह देते हैं कि हमारी यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब आप समझते हैं ना, कि हमारे शरीर की जिस तरह से एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से आप कहिए। कई राज्यों में तो आप देखेंगे कि 80 से 90% तक लोग उसी खेती पर निर्भर रहते हैं। और कई बार मैं बोल चुका हूं कि कई लोगों का कहना है कि इन जो अभी विधेयक आए हुए हैं, इनके बारे में किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। फिर भी याद रखिए, कई लोग पूछते हैं कि पंजाब हरियाणा में क्यों विरोध हुआ है, तो वहां लोग जो भी किसान हैं वो खेती की तरह नहीं करते, बुंदेलखंड की तरह खेती नहीं करते हैं। वो एक बिजनेस यानी कि व्यापार की तरह खेती करते हैं, पूरे मन से खेती करते हैं। आप जाइए बुंदेलखंड में, क्या करेंगे कि जैसे ही बरसात होगी बुआई कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। एक परिवार पूरा, 1 एकड़ जमीन है तो उस पर पूरा परिवार डिपेंड रहता है। लेकिन वहां पंजाब में एक, मतलब आप सोचिए वहां के पंजाब के किसानों की हालत ये है कि वहां उनके अपने बच्चे बच्चों को VIP स्कूलों में पढ़ाते हैं। आप देखेंगे VIP कारों में घूमते हैं, तो वहां अच्छी तरह से खेती की जाती है। अब देखेंगे आप लोग की बागवानी फसलें, द्वितीय अज्ञेय मनमान 2019-20 जारी किया गया है। 2 जून 2020 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बागवानी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में वर्ष 2019-20 हेतु द्वितीय अज्ञेय अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2019-20 के द्वितीय अज्ञेय अनुमानों के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 320.48 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमान 310.74 मिलियन टन की तुलना में 3.13% अधिक है। 19-20 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है, यह आपका 320.48 मिलियन टन, और 2018-19 के अंतिम अनुमान कितना था, यह था 310.74। इससे कितनी तुलना, मतलब कितना अधिक है, 3.13%। ठीक है, वर्ष 2019-20 में फसलों का उत्पादन लगभग 99.07 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो विगत वर्षों के उत्पादन में 97.97 मिलियन टन की तुलना में 1.10 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 में कुल बागवानी उत्पादन वर्ष 2018-19 की तुलना में 3.13% अधिक होने का अनुमान है। यह वृद्धि सब्जियों, फलों, सुगंधित और औषधीय पौधों पर और फूलों की वृद्धि के कारण हुई है, जबकि वृक्षारोपण मसालों में कमी का अनुमान है। 2018-19 के 183.17 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2019-20 में 191.77 मिलियन टन में सब्जियों के उत्पादन में 4.7% की वृद्धि होने का अनुमान भी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जारी राज्यवार बागवानी उत्पादन की तिथि अज्ञेय अनुमानों की बात करें तो 2018-19 में सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर पहुंच चुका है, इसके बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आपका है। ठीक है, 2018-19 में समग्र बागवानी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अभी भी शीर्ष पर है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश अभी भी आपका टॉप पर है। आंकड़ों के अनुसार 18-19 की मैं बात करें तो पश्चिम बंगाल देश के कुल सब्जी उत्पादन में 15.9% का योगदान, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14.9% और मध्य प्रदेश 9.6%। सीधा सा कहने का मतलब है कि 2018-19 में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर था, उत्तर प्रदेश दूसरे पर और मध्य प्रदेश तीसरे पर, MP तीसरे पर। 18-19 की बात अगर हम करें तो कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश 17.61 मिलियन टन उत्पादन के साथ विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शीर्ष पर रहा, यानी कि टॉप पर रहा, जबकि महाराष्ट्र 10.82 मिलियन टन और उत्तर प्रदेश 10.65 मिलियन टन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। तो याद रखिए, फल उत्पादन में बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, आपका महाराष्ट्र दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अगर 2018-19 में हम लोग कुल फलों उत्पादन की बात करें तो 98.58 मिलियन टन, जो देश के कुल बागवानी उत्पादन का 31.4% है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 घोषित किए जा चुके हैं, और रबी के भी अभी आपने देखा है कि घोषित हो चुके हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 जून 2020 को विगत वर्ष 2020-21 हेतु
सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गई है। सर्वाधिक वृद्धि अगर बात करें तो 755 रुपए प्रति क्विंटल नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,695 रुपये में हुई है, जबकि लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल बाजरा के मूल्य में पर 83% है। एक बात याद रखिए, मिनिमम जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है एमएसपी होता है, यही अभी जो 3 बिल आए हुए हैं इसमें यही बात एक तरह से मतलब इसी का विरोध हो रहा है कि कानून में कहा जा रहा है कि एमएसपी का एक जिक्र कह दीजिए, कहने का मतलब है कि इतना लिख दीजिए कि अगर एमएसपी पर कोई फसल नहीं खरीदा जाती है तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो इतना हो सकता है, देखिए सरकार के मन में हम लोग नहीं बैठे हुए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में एमएसपी खत्म कर दी जाए। इसी का विरोध किसान कर रहे हैं और किसी भी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एमएसपी का ये मतलब रहता है कि आपकी फसल कम हो रही है, उत्पादन अधिक हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। पहले से आपके मूल्य निर्धारण कर दिए जाते हैं कि 100 रुपये किलो खरीदेंगे फसल, तो 100 रुपये किलो खरीदेंगे। आपकी इच्छा है तो आप 100 रुपये किलो सरकार को बेच सकते हैं। आपको अगर 120 रुपये किलो मिल रहे हैं बाजार में रेट, जो साहूकार हैं, तो उन्हें भी बेच सकते हैं। इसमें अनिवार्य नहीं रहता है कि आप किस सरकार को ही बेचें। तो 21 की सीजन की सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए प्रति क्विंटल में, आपने देखा होगा कई बार धान के पूछ लेता है, कई बार पूछा होगा आपने, देखा होगा पुराने पेपर में, फसल हो गई एमएसपी 2019-20 में, एमएसपी 2020-21 में। धान की बात करें, सामान्य धान की आपकी 1815 एक क्विंटल में है, ठीक, प्रति क्विंटल। और अगर हम लोग 2020-21 की बात करें तो 1868 है, ठीक है, पिछली बार 1815, इस बार 1868। धान जो एक किस्म की है इसमें 1835 पिछली बार, और इस बार 2021 के लिए 1888 है। ज्वार संकर की बात करें तो 2550, और इस बार 2620 रखा गया है। ज्वार मल डांडी की बात करें तो 2570 पिछली बार, इस बार 2640 रखा गया है। बाजरा की अगर बात करें तो 2000, और इस बार 2150 रखा गया है। रागी की बात करें तो 3150 पिछली बार था, इस बार 3295 रखा गया है। मक्का की बात करें तो 1760 पिछली बार 1760 था, और इस बार 80 माफ करिए 1850 रखा गया है। तूर जिसे अरहर की बात करें तो 5800, और इस बार 6000 रखा गया है। मूंग की बात करें तो 7050 पिछली बार था, इस बार 7196 रखा गया है। उड़द की बात करें तो 5700, और इस बार 6000 रखा गया है। मूंगफली की बात करें तो 5090 पिछली बार था, इस बार 5275 रुपये रखा गया। सूरजमुखी मिर्च की बात करें तो 5650 रुपये थी पिछली बार, इस बार 5885 यानी कि 5885 रुपये रखा गया है। सोयाबीन पीला ये 3710 रुपये पिछली बार था, इस बार 3880 रखा गया। कपास मध्यम रेशा की बात करें तो 5250 5255 पिछली बार, इस बार 5515 रखा गया है। कपास लंबा रेशा ये 5550 था पिछली बार, इस बार 5825 रखा गया है, ठीक है, प्रति क्विंटल। आपने देखा होगा शून्य लागत प्राकृतिक खेती भी काफी चर्चा में बनी रहती है। 9 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार और जर्मन फार्म KFW के मध्य शून्य लागत प्राकृतिक खेती जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार जलवायु लचीली शून्य लागत प्राकृतिक खेती परियोजना पर कुल अनुमान लागत 1015 करोड़ रुपए यानी कि 1015 करोड़ रुपए है, जिसमें से 711 करोड़ रुपए KFW द्वारा ऋण के माध्यम से और 304 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। इस पर याद रहे कि 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024 तक अपने राज्य में 100% प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। शून्य लागत प्राकृतिक खेती एक रासायनिक मुक्त खेती है। अगर आपसे पूछे कि जैविक खेती करने वाला पहला पूर्णतः राज्य कौन बना था तो सिक्किम, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि संगणना 2015-16 चरण एक स्टेज फर्स्ट। भारत में प्रथम विस्तृत कृषि संगणना संदर्भ वर्ष जुलाई जून 1971 के साथ विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के मांग के रूम भाग के रूम में कराई गई थी। उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कृषि संगणना कराई जा रही है, और 1971 में पहली बार, आप देख रहे हैं। वर्तमान में कृषि संगणना वर्ष 2015-16 किस संदर्भ में, 15-16 में, इस श्रृंखला की 10वीं संगणना है। ये अभी जो आई है 15-16 की, ये 10वीं है, ठीक है, 10वें नंबर की। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या वर्ष 2010-11 में
138.35 मिलियन टन से बढ़कर 2015-16 में 146.45 मिलियन टन हो गई, जो इन 5 वर्षों की अवधि में 5.86% की वृद्धि को दर्शाता है इन सालों के बीच में। इसके विपरीत परिचालित क्षेत्र का हिस्सा की बात करें तो विगत 5 वर्षों में अर्थात 2010-11 की 159.59 मिलियन हेक्टर से घटकर 2015-16 में 157.82 मिलियन हेक्टर रह गया है, यानी कि इसमें 1.11% की कमी दर्शाई गई है, ठीक है, या कमी देखी गई है। वर्ष 15-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील ज्योतों में सर्वाधिक ज्योतों की संख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश 23.82 मिलियन, बिहार की बात करें तो 16.41 मिलियन, महाराष्ट्र 15.29 मिलियन, मध्य प्रदेश 10 मिलियन और कर्नाटक 8.68 मिलियन। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। वर्ष 15-16 में देश में कुल 157.82 मिलियन परिचालित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का रहा है, 20.82 मिलियन हेक्टर था। इसके पश्चात आप देखेंगे महाराष्ट्र 20.51 मिलियन हेक्टर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17.45 मिलियन हेक्टर, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 15.67 मिलियन हेक्टर और कर्नाटक की अगर बात करें तो 11.81 मिलियन हेक्टर का स्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील ज्योतों में वृद्धि पर 2011-10-11 की तुलना में 2015-16 में 5.86% की दर्ज की गई है वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, यानी कि कितना 5.86%। राज्यों संघीय क्षेत्रों में क्रियाशील ज्योतों की सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि की बात करें तो मध्य प्रदेश एमपी की 12.74% दर्ज की गई है, तो याद रखिए टॉप पर मध्य प्रदेश है। 2015-16 में देश में राज्यों संघीय क्षेत्रों में क्रियाशील ज्योतों का सर्वाधिक औसत आकार नागालैंड 14.87 हेक्टर में और न्यूनतम औसत की बात करें तो केरल में 0.18 हेक्टर है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 0.73 कितनी 0.73 हेक्टर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये आपका नागालैंड और सबसे न्यूनतम की बात करें तो केरल है। बात करूं रवि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो 19-20 के, अभी 21-21 के जो आए हुए थे उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 23 अक्टूबर 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के सत्र की सभी रवि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है, जिनका विवरण 2020-21 में होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा वृद्धि मसूर यानी कि 325 कितनी 325 रुपए प्रति क्विंटल की लिए की गई, वहीं सबसे कम की बात करें विद्युत गेहूं और जौ प्रत्येक में 85 रुपए प्रति क्विंटल के लिए बढ़ोतरी की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें, वैसे नए जो आंकड़े आए हुए हैं नए जो अभी आए हुए हैं इसके बारे में जरूर देख लीजिए आप लोग, मुझे लगता है कि इससे भी पूछे जा सकते हैं और इससे भी पूछ लेंगे, ठीक है। फसल ये उत्पादन लागत विवरण 2020-21 के लिए रुपए प्रति क्विंटल और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमएसपी रुपए प्रति क्विंटल, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एमएसपी रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं की बात करें तो 925 बढ़ाए गए हैं, ये कितना 1840 और 1925 2019-20 का 18-19 में कितना था ये 1840, जो गेहूं की बात करें तो 919 इसमें आप देख इसमें 1440 और 1525 इस बार है। चना की बात करें तो 2801 इसकी बात करें, ये उत्पादन लागत विपणन की बात कर रहा हूँ, लागत मतलब कितनी याद ये 4620 पिछली बार था, इस बार आप देखेंगे 4875। मसूर की बात करें तो ये 2727 और इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितनी थी एमएसपी 4475 रुपये प्रति क्विंटल में, इस बार 19-20 के लिए वित्तीय वर्ष 4800 था। रैपसीड और सरसों की बात करें 2323 और इस बार ये लागत की बात कर रहा हूँ और ये वित्तीय बजट 2019-20 की बात करूँ तो 4200 और 19-20 की ये 18-19 की 19-20 में ये 4425। कुसुम की बात करें तो 3470 और वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमएसपी थी 4945 और इस बार 19-20 में 5215। अब आपने देखा होगा कि पशु 20वीं पशुधन जनगणना हुई है 16 अक्टूबर 2019 को मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशु गणना
जारी की है। किसने? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। ठीक है, किसके अंडर में आता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के। तो सबसे पहले तो यही रखिए कि 20 बी है। कौन सी? 20वें नंबर की। किसने जारी किए? पशुपालन और डेयरी विभाग ने। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान पशुधन आबादी गणना 2012 की तुलना में 4.6% बढ़कर 535.78 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैसे हम लोगों में भी तो बढ़ोतरी देखी जा रही है। जनसंख्या भी तो देख रहे हैं आप लोग। कुछ दिनों बाद कहा जा रहा है कि चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे। अखिल भारतीय पशु धन गणना प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर पूरे देश में आयोजित की होती है। और हमारी कितने, या इंसानों की गणना कितने साल में होती है? 10 साल में। ठीक है, 2011 में आया हुए थे। अब आप देखेंगे 2021 में आएंगे गणने वो भी, और उसके अंतिम आंकड़े आएंगे। इसके बारे में भी आपकी एक क्लास ली थी विस्तार से। सब कुछ इतिहास बताया गया था जनगणना का, 2011 की जनगणना के आंकड़े भी बताए गए थे। तो वीडियो फॉर ISPCS के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डला होगा। ठीक है, वहां जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। देखते हैं आप लोग की जनगणना से हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पशु जनगणना कब, कितने साल में होती है? 5 साल में। ठीक है, प्रत्येक 5 साल में। कुल गोवंशीय जैसे मवेशी, भैंस, मिथुन, याक आदि की आबादी वर्ष 2019 में 302.79 मिलियन टन आकलित की गई, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 1% अधिक है। कितनी? 302.79 मिलियन टन। ठीक, मिलियन आकलित, मिलियन जनसंख्या में, टन तो फिर आप समझ रहे हैं। पशु संख्या का वितरण 2019 की बात करें तो पशुधन संख्या 2019, विभिन्न प्रजातियों के हिस्से की बात करें तो देखिए इसमें भैंस सबसे ज्यादा, भैंस, मवेशी, बकरी और भेड़, और यहां आपको सुअर दिख रहा होगा, और अन्य। तो मवेशी की बात करें कैटल की, तो ये 35.94%। भैंस की बात करें तो 20.45%, और बकरी की बात करें तो 27.80%, भेड़ की बात करें तो 13.87%, सुअर की बात करें 1.69%, अन्य की बात करें 0.23%। आप लोगों को मालूम होगा कि बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, समझ रहे हैं आप? ये आंकड़े आपके महत्वपूर्ण रहते हैं कि 2012 एवं 2019 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार ये टॉप पर है। ठीक है, तो ये संख्या 2012 में मिलियन में है, 2000 ये संख्या 2019 में मिलियन में है। ये प्रतिशत की मतलब परिवर्तन की बात की गई है कि घटे हैं या बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम लोग तो पिछली बार ये 68.7 मिलियन में थी संख्या में, और 2019 की बात करें तो ये 67.8 मिलियन थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1.-1.35% की कमी देखी गई प्रतिशत की, समझ रहे हैं आप लोग? राजस्थान की बात करें तो 57.7 मिलियन थी 2012 में, और इस बार की बात करें अगर हम लोग 19 की तो 56.8, यानी कि यहाँ भी 1.-1.66% की कमी देखी गई। एमपी की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की, तो 36.3 मिलियन थे 2012 में, और इस बार ये 40.6 मिलियन हो गया, यानी कि 11.81% की वृद्धि देखी गई है। एमपी ठीक रहा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 30.3 2012 में, और इस बार 37.4 मिलियन थे, यानी कि 23.32% की वृद्धि देखी गई है। अगर बिहार की बात करें तो 32.9 2012 में, 36.5 मिलियन 2019 में, और यहाँ देखी गई है 10.67 की वृद्धि। तो वैसे आपकी बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे, मतलब आप कहिए एक तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशुधन संख्या है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आप देखेंगे बिहार। ठीक है, भली उत्तर प्रदेश में कमी देखी गई है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन फिर भी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। अब बात करूं हम लोग खरीफ फसलें की। प्रथम अग्रिम अनुमान 2019-20। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2019 को वर्ष 2019-20 हेतु प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए। जारी किए आंकड़ों के अनुसार चावल और दलहन की उत्पादन में संभावित गिरावट की वजह से देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में थोड़ा
थोड़ी कमी के साथ 140.57 मिलियन टन अनुमान नित है। विगत 5 वर्षों यानी कि 2013-14 से 2018-17-18 तक में दर्ज किए गए औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 8.44 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 100.35 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों में यह 112.13 मिलियन टन अनुमानित है। मुझे यही समझ में आता है, समझ रहे हैं आप लोग, कि मुझे लगता है कि आप अगर खेती कर रहे हैं, खेती करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे आप लोग मिश्रित खेती की करना चाहिए, कि पशुपालन भी करना चाहिए साथ में, आप कर सकते हैं मक्खी पालन भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। कम से कम अगर फसल भी बर्बाद हो जाती है तो आपकी परिवार की स्थिति इस पर निर्भर तो रहे, यही एक तरह से तुलना कर सकते हैं। अंतर है हमारे बुंदेलखंड बघेलखंड के किसानों में और पंजाब और हरियाणा के किसानों में, क्योंकि पंजाब हरियाणा में आप देखेंगे पंजाब में कि वहाँ मतलब पशु भी पालेंगे वो लोग, दूध भी बेचेंगे, और आप सोचिए कि खेती भी अच्छी तरीके से करेंगे, नए नए बीजों का उपयोग करेंगे, इसी का परिणाम भी आप देखते हैं। वहीं बुंदेलखंड के किसानों में आए दिन आप सुनते रहते हैं कि सुसाइड, इतने किसानों ने आत्महत्या की, और पंजाब के किसानों के बारे में आप सुनिए, तो ये हाल है। चावल उत्पादन का वर्तमान अनुमान विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन 93.55 मिलियन टन की तुलना में 6.80 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान खरीफ दलहन का कुल उत्पादन 8.23 मिलियन टन अनुमानित है, यह विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन 7.23 मिलियन टन की तुलना में 1 मिलियन टन अधिक है। 2019-20 के दौरान कुल गन्ना उत्पादन की बात करें तो 377.77 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया, जो विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन में 349.78 मिलियन टन की तुलना में 27.99 मिलियन टन अधिक है। फिर आपने देखा होगा कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 हुआ है, एक तरह से रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इन्हें भी चलते हैं देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन वर्ष 1940 से ही वैश्विक वन संसाधन निगरानी के लिए हर 5 या फिर 10 वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ये 1940 से इसे जारी कर रहा है। कब से? 1940 से। इसमें एक पॉइंट और याद रखिए कि 5 या फिर 10 सालों के अंतराल पर ये जारी की जाती है रिपोर्ट। पिछला, अगर हम बात करें पिछला वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, तो 2015 में प्रकाशित किया गया था। हाल ही में वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 वर्ष 1990 से 2020 की अवधि में 236 देशों एवं प्रांतों में से 60 से अधिक वन संबंधित चरों की स्थिति का मूल्यांकन कर अपने परिणामों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें 236 के करीब देशों की, ठीक है। विश्व में कुल वन क्षेत्र में 4.06 बिलियन हेक्टर है। विश्व में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? 4.06 बिलियन, कितना? बिलियन हेक्टर है, जो कुल भूमि का लगभग 31% है। इसका वैश्विक औसत 0.52 हेक्टर प्रति व्यक्ति है। विश्व के कुल वन का 45% उष्णकटिबंधीय वन है, कितना? 45%। वर्ष 1990 से 2020 तक शुद्ध रूप में कुल 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुका है, जो लगभग लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर है। जो लीबिया देश है, इतने एक तरह से इतने क्षेत्रफल के बराबर है, ये चिंताजनक बात भी है। 2010 से 2020 के लिए निर्वनीकरण की शुद्ध औसत दर सबसे अधिक अफ्रीका यानी कि 3.9 मिलियन हेक्टेयर की रही है, जबकि वर्ष 2010 से 20 के दौरान बनावरण क्षेत्र में वृद्धि करने वाले महाद्वीपों में पहले स्थान पर आपका एशिया रहा है। हम भी एशिया महाद्वीप के हिस्सा हैं, ठीक है। वर्ष 1990 से 2020 के दौरान विश्व में कुल 420 मिलियन हेक्टर वनों के निर्वनीकरण के कारण हानि हो चुकी है। निर्वनीकरण की दर वर्ष 1990 से सन 2000 के दौरान 15.8 मिलियन हेक्टर प्रति वर्ष रही, जबकि 2010 से 2015 में यह 11.8 मिलियन हेक्टर रही, और 2015 से 2020 के बीच बात करें तो ये 10.2 मिलियन हेक्टर प्रति वर्ष रही है। तो सबसे ज्यादा आपकी 1990 से 2000 के बीच देखी गई है,
ठीक है। अब यहां आप लोग जलवायु प्रदेश के आधार पर वन क्षेत्र प्रतिशतता देख लीजिए। इसमें इसमें आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें तो 45% आपको देखने में को मिलेंगे। ये भी पूछ लेगा कि सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है, 45.45%, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 27% में आपको शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको समशीतोष्ण वन देखने को मिलेंगे 16%, और फिर आपको 11% उपोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वनाग्नि से सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय वन प्रभावित हुए हैं। ब्राजील में भी तो आपने सुना होगा, कई जगह आप सुनते रहते हैं आग लग गई, इतने वन जलकर नष्ट हो गए, जीव जंतु भी उसमें नष्ट हो जाते हैं जल के, ठीक है, तो इसी की बात कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा इसी का प्रभाव देखा जाता है। विश्व में 54% से अधिक वन केवल 5 देशों रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन में है। तो आप समझिए कि एक बड़ा हिस्सा रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन के पास है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले 5 देशों की बात करें तो रूसी संघ, ये आप देखेंगे मिलियन हेक्टर में वन क्षेत्र है, यहाँ 815.3 मिलियन, और वैश्विक वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 20%। तो याद रखिए टॉप पर आपका रूसी संघ है। उसके बाद ब्राजील 496.6 मिलियन हेक्टर, ये 12% है टोटल का। कनाडा की बात करें तो 346.9 मिलियन हेक्टर, ये 9% है टोटल का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो 309.7 मिलियन हेक्टर, ये 8% योगदान है इसका। चीन की बात करें तो 219.9 मिलियन हेक्टर है, 5% है। तो पहले नंबर पर रूसी, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। वैश्विक स्तर पर मैंगो वन का क्षेत्रफल 14.8 मिलियन हेक्टर अनुमानित है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा एशिया में 5.55 मिलियन हेक्टर है। किसका, मैंगो वन का। भारत से इस 10 में शामिल सम्मिलित है, यानी कि चलिए अच्छी बात है कि भारत भी टॉप 10 में शामिल है। भारत में वर्तमान में आप देखेंगे कुल 72.16 मिलियन हेक्टर वैश्विक वन क्षेत्र का 2% है, केवल वन भूमि क्षेत्र है, जबकि 1990 में यह 63.93 मिलियन हेक्टर वन भूमि क्षेत्र था। 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्रफल में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि दर करने वाले देशों में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में सम्मिलित है। इस संदर्भ में यह केवल क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया से पीछे है, ठीक है, चीन और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे नंबर पर है क्रमशः। फिर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 भी आई हुई है, तो इसे देख लेते हैं। किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा अपनी पहली उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई है। और वैसे आप भी जान रहे हैं कि हर किसी का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, क्योंकि किसानों की स्थिति आप समझ रहे हैं बहुत बुरी है, और वही हमारे एक तरह से अन्नदाता हैं, वो कर रहे हैं तब हम लोग बैठ के खा रहे हैं। यह नीति कृषि निर्यात के लिए संस्थागत तंत्र बनाने, निर्यात उन्मुख वस्तुओं को बढ़ावा देने और राज्य में पर्यावरण के अनुकूल कृषि किस्मों की खेती को प्रोत्साहन करने हेतु निर्मित की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा बढ़ाना, और प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक वर्ष वर्तमान मूल्य 2524 यानी कि 2524 मिलियन US डॉलर यानी कि 17,591 करोड़ रुपए से दुगना करना है। पर्यावरण को संरक्षित करने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना और अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात से मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों को की ओर गमन करना। उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान वर्ष 2017-18 की चालू कीमतों पर 25.7% और स्थिर कीमतों पर 22.7% है। राज्य के पास 177.24 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र योग्य भूमि है, जिसमें शुद्ध कृषि क्षेत्र योग्य भूमि आपकी 166 लाख हेक्टर है, जिसका 86.7% हिस्सा सिंचित क्षेत्र है। 2018-19 में कुल राष्ट्रीय कृषि निर्यात में राज्य का हिस्सा 7.35% है। कितना, 7.35%। तो मुझे लगता है कि ये है आपकी कृषि क्षेत्र और समृद्ध क्षेत्र, ठीक है। आगे हम मिलते हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में, एक एक टॉपिक करके हम लोग देखते जाएंगे और छोटी छोटी क्लासें रहेंगी, लास्ट में आप लोगों को मर्ज कर देंगे, पूरा आपको एक सेपरेट क्लास आ जाएगी, ठीक है।